शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। काव्या, बेटा तुम्हारे पास सफेद साड़ी कैसे है? इस बार गए थे तो बच गए, पर अब ऐसा प्लान बनाओ कि बच न पाए। आप टेंशन मत लीजिए दाद, इस बार मौका हम लोगों के हाथ से नहीं निकलेगा। मैं तुमसे सिर्फ कुछ सवाल पूछने हैं। करण प्रताप सिंह की मौत के बारे में जानना है आपको। काव्या, काव्या हमें यहाँ से निकलना होगा। किसने गोली चलाई? काव्या, हम यहाँ पे सेफ नहीं है, चलो चलो यहाँ से। ये ढोल वाला जरूर करण की मौत के बारे में कुछ जानता होगा, तभी कुणाल ने इसे मारा है। काव्या, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो 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 चलो। मैं जानती हूं तुम्हीं ने उस ढोल वाले को मरवाया है। ढोल वाला, अपनी बकवास बंद करो। वही ढोल वाला जिसकी मदद से तुमने मेरे करण के कार में ब्लास्ट करवाया था। लगता है करण की मौत के सदमे से तुम बाहर नहीं आई हो, बहुत ही गहरा तुम्हें। मैं जानती हूं तुम्हीं ने मेरे करण को मारा है, और जब तुम्हें लगा कि उस ढोल वाले के मदद से मैं तुम्हारा गुना साबित करूंगी तो तुमने उसको भी मार डाला। हाँ, मार डाला, और अब तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मैंने करण को मारा और उस ढोल वाले को भी मारा, और तुम ग्वालियर की बड़ी शर्लॉक होम्स बन रही हो। तुम मुझे गुनहगार कैसे साबित करो? है कोई सबूत? गुनहगार साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। हाई बड़ी मुझे सजा देने वाली, सबूत नहीं है ना? निकलो यहां से। आई सेड गेट आउट। मुझे पता है आज हमने एक आदमी को मरते हुए देखा है, पर तुम अपने आप को संभाल लोगी ना? निश्मत, उन्होंने पहले मेरे करण को मारा और फिर सबूत छुपाने के लिए उस ढोल वाले को भी मार दिया। लेकिन निश्मत, कुणाल इतनी आसानी से बच नहीं पाएगा। देखना, मैं उसका सच सबके सामने जरूर लाऊंगी। मन तो करता है इस कुणाल को अभी पकड़ के पुलिस। तुम ऐसा नहीं करोगे? पर क्यों काव्या? क्योंकि हमारे पास कुणाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, पर ऐसा करने में हमारा ही नुकसान है। आयुष्मान, अगर कुणाल को पता चल गया ना कि हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं,
तो जो बचे कुछ जितने भी सबूत है ना, वो सारे सबूतों को मिटा देगा। फिर हम क्या करें काव्या? तब तक हमें बस सबूत इकट्ठा करने होंगे। कुछ ऐसा करना होगा जिसके कारण कुणाल खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करे। यशमान, अब तुम घर जाओ, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। काव्या, मैं हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं यशमान। फिर आगे क्या, गायत्री को मारने का कोई नया प्लान है कि नहीं? बहुत तगड़ा प्लान है डैड। हाँ तो बताओ ना, क्या प्लान है? बताऊंगा नहीं माँ, सीधा दिखाता हूँ। क्या हुआ? छिपकली। ये छिपकली नहीं, गायत्री जी की मौत है। छिपकली से मौत? कैसे? आइए आप दोनों को समझाता हूँ। अरे अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही? हाँ, पंडित जी ने कहा है कि आने वाले कुछ दिन हवेली के लिए शुभ नहीं है, इसलिए सतर्क रहना होगा। अरे अम्मा जी, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है रॉकी ने ना? आपने क्या कहा रॉकी? रॉकी ने क्या कहा है? रॉकी ने क्या किया? ओ, वो अम्मा, मेनका के कहने का मतलब ये है कि रॉकी ने हमें वादा किया था ना कि उसके रहते हुए कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो इसलिए डरने वाली बात कोई नहीं है। फातिमा देखिए, अब तो हम टीम की तरह काम कर रहे हैं। जो दुश्मन है ना, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, ट्रस्ट में। रॉकी, सब कुछ ठीक है ना? तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? दादी माँ, कैसी बात कर रही है? हम आपके अपने खून है, और गड़बड़ तो दुश्मन टीम करेगी हम लोगों के साथ। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ अच्छी तरीके से कि हमारे दुश्मन है काव्या, गायत्री जी और वो कुणाल। अम्मा, आपको आराम की जरूरत है, चलिए मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ देता हूँ। जी दादी माँ, आप कमरे में जाइए और टेंशन मत लीजिए आप। चलिए चलिए चलिए, दिमाग खराब है तुम्हारा माँ, जाओ चलो 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 चलो। काव्या, हम तुम्हें देखने ऊपर जा रहे थे तुम्हारे कमरे में। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, तो खाने पीने का ध्यान रखना होगा। आज से मैं तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूं। तुम्हें कोई भी जरूरत हो या कोई परेशानी हो, मुझे आप उन्हों को बता देना। बेटा तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दे। जी माइक पर कॉल। काम हो गया? चलिए
ये खीर का बाउल खुला कैसे? मैंने तो ढका था इसे। भगवान, मैं टक्कर लगाना तो भूल गया। बैठिए। बैठो। थैंक यू काव्या बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा खा लो। मेरा मन नहीं है। ये खीर ही तो है, खा लो थोड़ा सा। मुझे मीठा पसंद नहीं है और ये दूध की स्मेल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कोई नहीं माँ, इसके हिस्से की खीर भी मैं ही खा लूंगा। वैसे मुझे खीर बहुत पसंद है। ये ले, मेरे हाथों से खा। नहीं माँ, पहले आप। जिसने ये खीर नहीं खाया ना माँ, उसने दुनिया में कुछ नहीं खाया। वाओ, बहुत अच्छी है। हम तो गायत्री को रास्ते से हटाना चाहते थे, अब तो लगता है कुणाल ऊपर जाएगा। काव्या बेटा, ऐसे भूखे रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। खीर ना सही, चलो नींबू पानी बना दूं तुम्हारे लिए। ये मनु, क्या हुआ? ग्लास टूटने की इतनी तेज आवाज कहां से आ रही है? मोनू, क्या हो बेटा? अगर अम्मा ने इस ग्लास टूटने की आवाज सुन ली ना तो यहां जरूर आएगी, और अगर यहां गई तो बवाल होगा। ऐसे भी गायत्री जी की जगह कुणाल मर जाता ना, हम लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अरे अच्छा तो है, पर अगर अम्मा जी ने कुणाल को हवेली में मरते हुए देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल करेगी और इस बवाल में हम फंस भी सकते हैं। सही कह रही माँ, इससे पहले कि दादी यहाँ पे आए हमें रोकना होगा। आइए। ये तो गायत्री के रोने की आवाज है। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। मोनू, मोनू। करण प्रताप सिंह की मौत के बारे में जानना है आपको? फिर मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं उनकी मौत के बारे में जानने आई हूँ?
है काव्या, इतनी सारी बातें हैं जो मैं कभी तुमसे कह ही नहीं पाता, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद मेरे एक तरफा प्यार को कोई समझ ही नहीं पाएगा। तुम खुद इतनी परेशानियों से घिरी रहती हो, अकेले हर चीज से लड़ती रहती हो, ये सब देख के मैं ही टूट जाता हूँ। इसलिए कभी मौका ही नहीं मिलता कि तुम्हारे साथ बैठूं और तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, तुम्हें हौसला दूं कि कुछ भी हो जाए मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा तो हूं पर तुम्हारे साथ नहीं हूं, या दुनिया के सामने तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, हो सकता है लोग सोचें कि मैं तुम्हारे विधवा होने का गलत फायदा उठा रहा हूं, और ये तो तुम्हारा ही फैसला है ना कि तुम इस हवेली में रहकर करण सर को याद करना चाहती हो। ये सब जानते हुए भी मैं पता नहीं अपने दिल से तुम्हें क्यों निकाल ही नहीं पाता। मैं तुम्हारे साथ देना तो चाहता हूं काव्या, पर दे नहीं पाता। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। काव्या, काव्या तुम 100 साल जियोगी। आयुष्मान तुरंत हवेली पहुंचो, कुणाल बेहोश हो गया है। तुम घबराओ मत काव्या, मैं अभी आ रहा हूं। अम्मा 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 अम्मा, आप यहाँ क्यों आई? आप चलिए अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, नहीं तो फिर से आपका सर दर्द बढ़ जाएगा। नीचे से गायत्री के रोने की आवाज आ रही है, तो हम बस पता करना चाहते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, हमारे तीनों दुश्मन मिलकर जरूर कहीं कोई नाटक कर रहे होंगे। अम्मा हमें तो लगता है कि आप इनके चक्कर में ना पड़े, चलिए आपके कमरे में। हमें रूम में नहीं जाना है, हमें देखना है कि क्या हुआ है। अरे ताती मां, हमें क्या लेने जाना दुश्मन टीम में नाटक से, और वैसे भी इनके मामलों में टांग अड़ाएंगे ना, नुकसान अपना ही होना है। आप चलिए, आपको कोई जरूरत नहीं इनके मसलों में पड़ने की। आप आइए। हाँ अम्मा, ओके ठीक कह रहा, चलिए चलिए। माँ आप नीचे नजर रखिए, मैं दादी को छोड़ के आता हूँ। चलिए अम्मा। सब मेरी कुणाल, उठो कुणाल, सब मेरी गलती। मैम आप अपने आप को दोष मत दीजिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। मोनू बोल ना बेटा, कुछ तो बोल। मुझे खीर का भगोना कैसे भी करके डाइनिंग टेबल से हटाना होगा, पर जब तक काव्या और गायत्री यहाँ हैं, मैं कैसे हटा पाऊंगी? कुणाल, लो बस, इसकी कमी थी, अब तो पूरी की पूरी फौज यहाँ है, अब कैसे हटाऊंगी मैं भगोने को? ऐसे बेहोश कैसे हो गया? इसको कोई चोट वोट लगी है क्या? इसने बस खीर खा के और ये बेहोश हो गया। खीर खा के बेहोश? कहाँ है वो खीर? मोनो, मोनो। आयुष्मान, हम इसे कहाँ ले चलें? जल्दी आ। माँ हम जहरीली खीर को वहां नहीं छोड़ सकते, पर कैसे हटाएंगे हम? वहां बहुत खतरा है। चाहे जितना भी खतरा हो, काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों? दैट सिंपल सी बात है, जब डॉक्टर आएगा खीर की जांच करेगा, ताकि वो इसका एंटीडोट कुणाल को ना दे पाए। मतलब ये कि जब डॉक्टर को पता लग जाए कि शरीर में जहर कैसे फैला है, तो उसका इलाज करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अरे बाप रे, तो फिर खतरा चाहे कितना भी हो, ये जहरीली खीर हमें वहां से हटानी पड़ेगी।
डैड आप यहाँ पे रुकिए, माँ आप मेरे साथ चलिए, आइए जा जा। कुछ तो बोलना भी। युष्मा, डॉक्टर आते ही होंगे, तुम जाकर उन्हें इस कमरे में ले आओ। ठीक है। काव्या, ये क्या हुआ मेरे बच्चे को, ये कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? मैं शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपके मोनू को। कुछ तो बोलना बेटा। रंग देखे तो कोई भी कह देगा किसमें जहर मिला है। इसीलिए तो कह रहा हूं, उसे जल्दी से यहां से हटाइए। डॉक्टर, पेशेंट ऊपर है, आप मेरे साथ चलते हैं। चलिए। जल्दी करो, जल्दी। घबराइए नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ इसे? पेशेंट की बॉडी में जहर है। आप कुणाल को इस तरह से नहीं मार सकते, क्योंकि उसको मारने का अधिकार सिर्फ मेरा है महादेव। उसे तो हर रोज तिल तिल करके मरना होगा महादेव, पर आपसे कुणाल को मारने का अधिकार छीन कर ही रहूंगी। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।